ना होगा पूरे देश में कोरोना खत्म, ना ही होगा भ्रष्टाचार खत्म। देखिए जावेद बिन के 7 ट्रक ड्राइवरों का क्या है विचार। उत्तर प्रदेश के वाराणसी पुलिस की ट्रक ड्राइवरों ने खोली पोल, प्रत्येक ड्राइवर से लेते हैं 3,500 रुपए, नहीं देने पर करते हैं लाठी डंडे से प्रहार। गाजीपुर के ढाबे पर रात को ट्रक ड्राइवर से मुलाकात हुई, उसकी जुबानी पूरे देश की हालत जानिए, कैसे बिन दवा के लोग अच्छा भी हो रहे हैं। गाजीपुर जनपद से जावेद बिन की अली की रिपोर्ट। मैं इस वक्त सुनील यादव से जानना चाहता हूँ, ट्रक ड्राइवर हैं, तमाम भारत के तमाम राज्यों में घूमते हैं, सही बताएंगे कि जब से हमारी सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, कोरोना खत्म हुआ है, क्या आप सोच रहे हैं, कहाँ क्या क्या परेशानी हो रही है इसमें? देखिए ना कोरोना खत्म होगा ना हुआ है, और अगर भ्रष्टाचार की बात तो भ्रष्टाचार और बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर पब्लिक पैदल आ रही थी, हम लोग आ रहे हैं जो एकदम बुजुर्ग है, हमारे दादा और पिताजी की उम्र के, वो हमारे अगर हम कहीं गाड़ी खड़ी कर देते थे, पैर पकड़ लेते थे, आप मुझे लेकर चलिए, ठीक है, हमने उनके ऊपर दया दिखाया, बेगर पैसे का लेके आते थे उनको, हमने खिलाया पिलाया, चाय रास्ता सब कराया। वो तो कोरोना के मारे हैं, वो परदेश से आ रहे हैं, मतलब दंड के बारे एकदम दुखी हैं, घर पे जाना चाहते हैं। लेकिन पुलिस वाले क्या करते थे, एक पुलिस वाला बैठा था तो आगे वाले को फोन करता था कि मैंने इसमें इतने आदमी को बैठा दिया, तू ड्राइवर को रोक कर ले ले पैसा। अब वो क्या करता था, अगर हम लोग पैसा नहीं देते थे तो हम लोग की गाड़ी वहीं से वापस घुमा देता था। जैसे में मुंगरा बादशाहपुर हुआ, नारीबारी हुआ, एक जारी है, ये तीनों मिलकर पुलिस चौकी वाले ड्राइवरों को बहुत तंग किए। किस राज्य में पड़ते हैं ये? इलाहाबाद की बात है, इलाहाबाद। ये सब मतलब हद से ज्यादा योगी जी की सरकार। हाँ, योगी जी की सरकार में भी कोरोना कितने दिन से स्टार्ट हुआ है आप ये देखिए। जैसे बनारस में हम लोग आते थे लेकर, तो बनारस जैसे ये के इधर बनारस अंदर में नो एंट्री जहाज लगता है, आप वहीं पे देख लीजिए, वहाँ पे अगर गाड़ी अगर अंदर लेते हैं हम लोग, तो आदमी बैठे या नहीं बैठे उसमें 3,500 रुपये एक ड्राइवर के पीछे, वो गाड़ी कोई भी हो वो लेते हैं। प्लस दूसरी बात, अगर आप नहीं दिए तो आपको लाठी से मारेंगे, माँ बहन की गाली देते हैं, बोलते हैं कि मैं कारण में भाजपा सरकार का सिपाही हूँ, मेरा लिंक बहुत बड़ा है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। हम लोग तो हर प्रांत में जाते हैं, हर प्रांत के पुलिस को हम देखते हैं, हर प्रांत की राज देखते हैं इसके लिए। और रह गया बात कोरोना का है, तो कोरोना में पुलिस वाले ने ड्राइवरों को हद से ज्यादा तंग किया, इसलिए तंग किया कि हम लोग फ्री में लाते थे और ले गए, लेकिन पुलिस वालों को हर जगह पैसा चाहिए, ये भाजपा सरकार ही पूरा लेकर देश डूब रही है। अच्छा, ये जो आप भ्रष्टाचार बनारस में कितना कम है, ये बेसी है बनारस में हद से ज्यादा है, ज्यादा है। आप ब्राह्मण में देखिए, सिंह लोग हैं उनमें देखिए, ये लोग मतलब एक अहम पैदा हो गया अंदर। अच्छा। बनारस जैसे मोदी जी कहते हैं गंगा मेरी माँ है, मैं उनका बेटा हूँ, तो गंगा सबकी माँ है। हाँ। और सब उनके बेटे हैं। हाँ। वो तो सबको गोद में लेती है और बाहर निकालती है। हाँ। गंगा सबकी माँ है, ऐसा नहीं होता है। वो बोलते हैं बनारस को स्वच्छ बनाओ, लेकिन स्वच्छ बना कैसे, आप मुझे ये बताइए, नहीं बना है। जब भ्रष्टाचार फैल रहा है, पब्लिक सुखी नहीं है, तो आपने क्या स्वच्छ बनाया? पब्लिक सुखी नहीं है, नहीं है, रो रही है पब्लिक। हाँ, रो रही है ना। अरे किसी को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, कोई फुटपाथ पे जाके रो रहा है, तो कोई स्टेशन पे रो रहा है। कोरोना में बंद होने के बाद वहाँ 2,000 रुपया दीजिए आपको कुछ बढ़िया खाना। तो यही तो है, कोरोना में रुपया भी देना पड़ता है। देना पड़ता है। अच्छा, अभी देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए गाजीपुर है। हाँ। हम लोग गाड़ी क्रॉस कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, ए रुक रुको, क्या दिखता नहीं है तेरे को? अरे हम लोग तो ड्राइवर खुद ऐसे कार में, जब दुनिया सोती है तो हम जागते हैं। अच्छा, फिर भी उसमें रोके बोलेंगे कोरोना चल रहा है, किधर जा रहा है, चल चल साइड में, साइड में जाने क्या बात है, इधर बोलो। बोलेंगे चल ठीक है 500 दे दे, तेरी गाड़ी पार्क करा देता हूँ। अरे क्या है ये 500, हम मेहनत करके पसीना बहा के ला रहे पैसा, काहे का कोरोना, किस चीज का है? इसके लिए लोग जबरदस्ती करके पैसा लेते हैं, बोलते हैं ये वो, हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, किसी को दाल चावल दे रहे, तो किसी को नमक पानी गर्म करके दे रहे, क्या है कोरोना, किसी ने दिखाया? बेगर दवा का कोरोना 70.77% कैसे आपने दिखा दिया कि एकाएक ठीक हो गया? किस कारण से ठीक हुआ? कौन सी दवा? वो दवा बना भी नहीं। हाँ, नहीं बना दवा। हाँ। कौन सी आपने दवा खिला दिया? हाँ। एक सर दर्द की गोली आप हॉस्पिटल में दिलवा दे रहे हो, बोलो ठीक हो गया, उससे अच्छा पब्लिक को बोलो ना मेडिकल से ले ले, क्या जरूरत है पटोल रहेगा? एक जिले में 23 करोड़ रुपया रहे, किस कौन से मरीज को 1 लाख रुपया मिला है, कोई बता सकता है? जो बड़े हैं, जिनका लिंक विधायकों से है,
मतलब बड़े बड़े पदों पे जिनका लिंक है संपर्क है उनको पैसा मिल रहा है, जो गरीब है उसकी किडनी आँख सब नुकसान जा रहा है।